हिमाचल में किसकी सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल में किसकी सरकार बनेगी, इस पर अब जल्द ही फैसला आने वाला है, लेकिन चुनावों के दौरान जनता को कौन ज्यादा प्रभावित कर पाया, इस पर बहस जोरों पर है। कांग्रेस का पंच हावी रहा या भाजपा का विकास, इसी पर हम पहाड़ी में चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। बीजेपी भारी या कांग्रेस, हम किस नजरिए से बात कर रहे हैं, आप जरा हमारे साथ बने रहिएगा, अब क्लियर हो जाएगा मसला। अच्छा राजेश, कोई भी चुनाव है, छोटा है बड़ा है, किसी भी प्रकार का चुनाव है, उसके लिए मुद्दे जरूरी होते हैं। बिल्कुल, चुनाव की वजह क्या है, क्यों दो दल या बहुत सारे लोग अपने अपने सामने लाते हैं और फिर कहते हैं कि हमें जिताइए, क्यों? क्योंकि कुछ मुद्दे होते हैं। बिल्कुल, हिमाचल विधानसभा चुनाव में भी ये माना जा रहा है कि वो मुद्दे ही थे जिसके चलते इतनी बड़ी संख्या में मतदान हुआ है प्रदेश में। सही है, कितना सहमत है आप इस बात? बिल्कुल सही है, देखिए मुद्दे तो होते ही हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष में जिस तरह की चुनावों के दौरान तकरार चलती है, चाहे माहौल बनाने की कोशिश हो, मुद्दे उसका आधार होते हैं अग्निहोत्री जी, एक चीज तो वो महत्वपूर्ण चीज है। दूसरा, जिस तरह का बंपर वोटिंग का हिमाचल प्रदेश का आंकड़ा रहा, 76% को बंपर वोटिंग का आंकड़ा ये पार हो चुका है, और उससे जो माहौल बन रहा है वो माहौल ये दिखा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में मुद्दे तो थे ही थे, लेकिन इसके साथ कुछ और महत्वपूर्ण चीजें थी जिनके कारण बंपर वोटिंग हुई है। जैसे हिमाचल के लोग एक तो जागरूक बहुत ज्यादा है, राष्ट्रीय स्तर पर देखो लोगों में जागरूकता है, संवैधानिक अधिकारों को लोग जानते हैं, उन्हें पता है कि वोट की चोट से किस तरह से सरकारें बदल सकती हैं, किस तरह से वो अपने मन चाहे कैंडिडेट को आगे ला सकते हैं, वो भी एक आधार है। पढ़ा लिखा राज्य होने का फायदा लोग यहां साफ तौर पर नजर आता है, जिसमें ये चीज है कि उसमें वोटिंग के जरिए वो बदलाव की बयार जो चलती है वो महत्वपूर्ण है। और अगली जो महत्वपूर्ण चीज है कि 5-5 साल का जिस तरह का प्रदेश का इतिहास रहा है सत्ता परिवर्तन का, क्या उसके लिए बंपर वोटिंग है या फिर रिवाज बदलने के लिए बंपर वोटिंग है, ये तो 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन हिमाचल में मुद्दों के साथ साथ और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन्होंने बंपर वोटिंग में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है अग्निहोत्री जी। जी, और भी चीजें हैं आपने और उनके बारे में बता भी दिया हमारे दर्शकों को। अच्छा राजेश, एक बात हो रही थी रिवाज बदलने की और दूसरी बात हो रही थी ताज बदलने की, तो देखिए 8 दिसंबर को ही होना है। बिल्कुल, रिवाज बदलने की बात भाजपा ने की है कि ये जो 5-5 साल वाली बात है ये नहीं चलेगी, हम रिवाज बदल देंगे, कि नहीं जी ऐसा नहीं है, बदलाव नहीं भी होता है। बिल्कुल, कांग्रेस बोल रही थी कि हम राज बदल के रहेंगे, हम तो ताज ले लेंगे। बिल्कुल, कांग्रेस ने, अब हम चुनावी मुद्दों पर अगर कंसंट्रेट करते हैं बाकी कारणों से हटते हुए, तो चुनावी हथियारों में किन मुद्दों को बदल डाला कांग्रेस ने ताकि भाजपा के विजय रथ को आगे बढ़ने से रोका जा सके, उनके जो एक अश्वमेध का एक घोड़ा चला हुआ था उसकी लगाम थामी जा सके। सही है जी, बिल्कुल सही है। देखिए कांग्रेस ने जो राज बदलने का नारा दिया, उस राज बदलने के नारे को एक तरह से भाजपा की ही नीति के तहत काउंटर करने की कोशिश की, जवाबी हमला भाजपा पे कांग्रेस लगातार करती रही। भाजपा को देखकर कांग्रेस अपनी रणनीति में इन पूरे चुनावों के दौरान परिवर्तन करती रही। 5 बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे जो कांग्रेस ने इन चुनावों में उछाले हैं अग्निहोत्री, आज हम उन पे चर्चा करने जा रहे हैं। 5 ब्रह्मास्त्र कह लीजिए, 5 बड़े मुद्दे कह लीजिए, ऐसी चीजें कह लीजिए जिन्हें लेकर कांग्रेस जनता के बीच गई और जनादेश को भुनाने की भरसक कांग्रेस ने प्रयास किया। 8 दिसंबर को जनादेश का पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले जो प्रदेश में चाहे आदर्श आचार संहिता के लगने से पहले की बात हो या बाद की बात हो, टिकट आवंटन से लेकर हम वोटिंग तक अगर देखते हैं तो कांग्रेस ने इन 5 मुद्दों के जरिए भारतीय जनता पार्टी पर या सत्ता पक्ष पर ताबड़तोड़ हमले करने की कोशिश की। ओपीएस का मुद्दा कर्मचारियों के लिए कांग्रेस ने उठाया, कर्मचारियों को अपने घोषणा पत्र में वादा तक कांग्रेस ने कर दिया। संवैधानिक अधिकार देके कांग्रेस ने कर्मचारियों के लिए उनके पक्ष अपने पक्ष में करने के लिए हर तरह का दाव इन चुनावों में खेला। ओपीएस का बहुत बड़ा इशू कांग्रेस ने यहां हिमाचल प्रदेश में बनाया। और एनपीएस के दायरे में देख ले तो 1,30,000 कर्मचारी एनपीएस के दायरे में आते हैं। इसके साथ दूसरा जो कांग्रेस ने मुद्दा एक तरह से उछाला, वो 18 साल से ऊपर की हर महिला को कांग्रेस ने पेंशन देने की बात कही, और उसके लिए 1500 प्रतिमा देने की बात जब कांग्रेस ने कही, तो आप ये देखिए कि बंपर वोटिंग जिस तरह से महिलाओं के एंड पे हिमाचल प्रदेश में हुई है, अभी उसके असर या उसका नतीजे सामने नहीं आए हैं, लेकिन क्या उसका उत्साह है या कुछ और चीजें हैं जो आगे आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरह का माहौल बना वो महत्वपूर्ण चर्चा पूरे चुनावों में इसी मुद्दे की चर्चा कांग्रेस
कांग्रेस के लिए होती रही। बेरोजगारी को बहुत बड़ा मसला कांग्रेस ने बनाया। 63,000 पद ना भरने के आरोप लगाकर बीजेपी की सरकार को घेरने की हर मंच से, हर प्लेटफॉर्म से कांग्रेस के हर नेता ने कोशिश की। अग्निवीर जो केंद्र सरकार की योजना है उसकी भर्ती का विरोध करके युवाओं को साथ चलाने की कांग्रेस ने की। बेरोजगारी का बड़े स्तर पर मुद्दा कांग्रेस ने इन चुनावों में भाजपा के खिलाफ बनाया। अग्निहोत्री जी, महंगाई की बात करें, खासतौर पर रसोई गैस की कीमतें 2014 के मुकाबले 2022 में जिस रफ्तार से बढ़ी हैं, करीब करीब 3 गुना महंगा सिलेंडर हो गया है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में गई है कि अच्छे दिन जो जिनका दिलासा बीजेपी की सरकार दे रही थी वो अच्छे दिन गए कहां, 1200 रुपए से ऊपर रसोई गैस का सिलेंडर चला गया है। भ्रष्टाचार का 5वां बड़ा प्रमुख मुद्दा कांग्रेस ने उठाया, जिसमें चाहे पुलिस पेपर भर्ती लीकेज का मामला हो या फिर दूसरा मामला हो, कोरोना काल के दौरान पीपीई किट घोटालों की जहां तक बात हो, हर प्लेटफॉर्म पे कांग्रेस ने इन 5 मुद्दों को एक आप तय रणनीति के तहत आगे लाकर हर वर्ग को टारगेट करके कांग्रेस ने ये मुद्दे जब चुनावों हिमाचल प्रदेश के चुनावों में उछाले तो स्वाभाविक रूप से एक माहौल पूरे प्रदेश का गर्म होता हुआ पूरी कैंपेन के दौरान नजर आया। अग्निहोत्री जी, जी अब लगे हाथ आप भाजपा के मुद्दों पर भी चर्चा करें राजेश। बिल्कुल, देखिए बीजेपी इन चुनावों में जो नारा दिया है, मिशन रिपीट का भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है, और मिशन रिपीट के नारे के लिए अगर हम कहें तो बीजेपी ने 5 तरह की चीजें हिमाचल प्रदेश में की हैं जिनके दम पे भाजपा मिशन रिपीट का दावा कर रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, 80 साल उम्र हुआ करती थी, जयराम सरकार ने 60 साल करके बहुत बड़ा तोहफा उन बुजुर्गों को एक तरह से दिया। अग्निहोत्री जी, जो बुजुर्ग उम्र के उस पड़ाव में आकर खुद को एकाकी अकेला महसूस करते थे, आय का साधन कोई होता नहीं था, बड़ा फैक्टर भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में इसे मान रही है। महंगाई की जहां तक कांग्रेस ने हर प्लेटफॉर्म से इस मुद्दे को बनाने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने महंगाई को लेकर कांग्रेस को काउंटर करना फिर बाद में शुरू कर दिया। रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने भी बदली थी, जिसमें महिलाओं के लिए बस किराए में 50% छूट का उन्होंने जिस तरह से ऐलान कर रखा था उसका सरकार ने प्रचार किया, पानी के बिल माफ जिस तरह से किए वो महंगाई में जनता को राहत देने की कोशिश की गई, 125 यूनिट तक फ्री बिजली का प्रावधान जो किया गया वो महंगाई के दौर में, हालांकि महंगाई इंटरनेशनल मुद्दा है और हिंदुस्तान में भी महंगाई है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने राहत देने की कोशिश की है। स्वास्थ्य के लिहाज से देख लीजिए, हिम केयर कार्ड 5 लाख तक की निशुल्क इलाज मरीजों के लिए उपलब्ध करवाया, इस पे बीजेपी ने इसको भुनाने की भरसक कोशिश इन चुनावों में की है। इसके साथ साथ कर्मचारी, ऐसा नहीं कि कांग्रेस ही कर्मचारियों की पूरी महफिल एक तरह से लूट ले गई है, भारतीय जनता पार्टी ने जो कर्मचारियों के लिए किया, 5 साल की सरकार ने जो कर्मचारियों के लिए किया या केंद्र कर्मचारियों के लिए जो कर रहा है, वो तमाम तरह के मुद्दे हैं जिन्हें भुनाने की बीजेपी ने भी यहां कोशिश की। लेकिन ओपीएस को अगर हम छोड़ देते हैं अग्निहोत्री जी, तो कर्मचारियों और पेंशनरों दोनों के लिए एक तरह से जो बहुत सारे मसले ऐसे थे जिनकी पेचीदगियां बनी हुई थी। सरकार ने पहली चीज तो नया पे कमीशन लागू किया, हालांकि एरियर का मैटर अभी फंसा हुआ, पे एनोमली कई जगह चली हुई है, उन मसलों का समाधान नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी जो नया जो पे कमीशन है वो लागू करना भी एक तरह से दिखाता है कि सरकार कर्मचारियों को लेकर गंभीर थी। दूसरा, एनपीएस के कर्मचारी ओपीएस की डिमांड कर रहे हैं, कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ओपीएस के जो वादा कर रखा है उसको अगर हम देखें तो सरकार ये कह रही है कि सरकार ने एनपीएस के कर्मचारियों के लिए 2009 की भारत सरकार की नोटिफिकेशन लागू करके उन्हें फैमिली पेंशन का प्रावधान कर दिया है, एक चीज तो वो। दूसरा, एनपीएस के कर्मचारियों के लिए 10% जो शेयर होता था सरकार की तरफ से 14% उसे कर दिया गया है, तो ये भी एक तरह से उन कर्मचारियों को साधने की भरसक कोशिश है। महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना की बात है, 2 गैस सिलेंडर सरकार मुफ्त दे रही है, तीसरा उन्होंने अपने संकल्प पत्र में दिखा दिया है कि अब हम 3 देने जा रहे हैं। अब थोड़ा सा अगर इसके साथ ही हम देखें तो कई और ऐसे प्रोजेक्ट भी सरकार ने चला रखे हैं, कई योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं जो सरकार जिन मुद्दों को या जिन प्रोजेक्ट को सरकार ने इन चुनावों के दौरान भुनाने की भरसक कोशिश की है। अग्निहोत्री जी, जी कुछ विधानसभा क्षेत्रों में शायद स्थानीय मुद्दे भी सामने आए हैं जिन्होंने प्रभावित किया, चाहे आप इसको ये कह लीजिए कि मतदान को प्रभावित किया या जन भावनाओं को, जी क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है, देखिए स्थानीय मुद्दे मसले उठे इन चुनावों में उठे और वो स्थानीय मसले फिर प्रादेशिक आगे चल के बन गए। अग्निहोत्री जी, सेब बागवानों का मुद्दा, हालांकि बहुत सारी कंस्टिट्यूएंसी से मुद्दा ये जुड़ा हुआ था, जिसमें चाहे ठियोग की बात हो, जुब्बल कोटखाई की बात हो, चौपाल, रामपुर, किन्नौर,
मनाली, कुल्लू, बंजार, आनी, भरमौर और तीसा, यहाँ के बागवानों का एक तरह से, क्योंकि सेब बाहुल्य इलाके शिमला में ज्यादा है, यहाँ के बागवानों के मुद्दे को एक तरह से जब उठाने की कोशिश की गई, ये मुद्दे जिस तरह से गूंजने लगे तो धमक पूरे प्रदेश में इनकी सुनाई देने लगी। दूसरा, फोर लेन प्रभावितों के लिए 4 गुना मुआवजे की एक तरह से मांग, क्योंकि पहले तो उन क्षेत्रों में उठी, जैसे आप बात कर लीजिए तो कीर्तपुर मनाली जिसमें फोर लेन शामिल है, इसके साथ ही साथ उसमें शामिल है जो मंडी पठानकोट फोर लेन जिसका काम चल पड़ा है, साथ ही साथ फिर अभी अब इन दिनों की बात करें तो मटौर शिमला इसका इस फोर लेन का काम भी चल पड़ा है। तो यहां के जितने भी प्रभावित फोर लेन प्रभावित हैं, 4 गुना मुआवजे की मांग उनकी भी पूरे प्रदेश में गूंजती रही। हालांकि है स्थानीय मुद्दे, बल का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट अग्निहोत्री, अब तो हिमाचल प्रदेश का प्रोजेक्ट पूरे 5 साल में ये बना रहा, लेकिन उस क्षेत्र के किसानों का जिस तरह से प्रदर्शन हुआ, लोगों का जिस तरह से प्रदर्शन हुआ, वो तमाम तरह की चीजें हैं जो क्षेत्र विशेष से हटके फिर पूरे प्रदेश में गूंज पड़े। जहां तक लोकल मुद्दों की बात है, बरसर में क्षेत्रवाद की बात है, क्योंकि वहां ढटवाल एरिया के लोग बात करते हैं कि हमारे तो कैंडिडेट को कोई पूछता नहीं है, उसमें वहां तो क्षेत्रवाद का पूरी तरह से हावी रहा। बाकी जगह और ऐसा था कि किसी क्षेत्र के कैंडिडेट, काबिल कैंडिडेट को जब टिकट नहीं मिला तो फिर वो इन चुनावों में स्थानीय मुद्दा बनके एक तरह से इन विधानसभा के इस दंगल में पूरी तरह से गूंजता हुआ नजर आया। जी, इसके अलावा देखिए कांग्रेस की ओर से आरोप लगते रहे, बहुत चेहरे उतारे भाजपा ने अपने राष्ट्रीय स्तर के और धुआंधार प्रचार बहुत बार। जी, कांग्रेस का आरोप ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी स्थानीय मुद्दों का को पीछे करने के लिए राष्ट्रीय मुद्दों का प्रयोग कर रही है। बिल्कुल, कौन से राष्ट्रीय मसले थे, राष्ट्रीय उपलब्धियां थी जो इन भाजपा या कांग्रेस की ओर से इन चुनावों में गूंजे? बिल्कुल सही है, देखिए बीजेपी ने कोशिश की, क्योंकि पहले भारतीय जनता पार्टी की रणनीति थी कि उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का चेहरा आगे रखा, तो फिर रणनीति के तहत प्रदेश के विकास का मुद्दा या प्रदेश को आगे ले जाने का वाले मॉडल का मुद्दा ही बीजेपी ने आगे जनता के सामने रखा। लेकिन बाद में जिस तरह का माहौल बना, बीजेपी ने अपनी रणनीति बदल दी और जो रिवाज बदलने का नारा दिया गया, उसके साथ ही साथ जब प्रधानमंत्री का चेहरा हिमाचल प्रदेश में एक तरह से आगे किया गया, तो फिर उसके साथ ही साथ बीजेपी के मुद्दे भी बदल गए। अग्निहोत्री जैसे ही चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने बदला प्रदेश में, मुद्दे फिर प्रदेश से हटके देश भर के मुद्दे यहां गूंजे, जिनका आपने सही कहा, कांग्रेस ने आपत्ति भी उठाई कि हिमाचल प्रदेश के मुद्दों पे बीजेपी बात नहीं कर रही है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई, इसका मुद्दा एक तरह से हिमाचल प्रदेश के इन चुनावों में बीजेपी ने बताने की कोशिश की कि केंद्र ने क्या क्या उपलब्धियां केंद्र के नाम अब तक रही है, कैसी जटिल समस्याओं का समाधान किया गया है। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण का मुद्दा ठीक गूंजा, इन मसलों में गूंजा। पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा इन चुनावों में गूंजा। इसके साथ ही साथ फिर जो जिस तरह के मुद्दे और थे हिमाचल प्रदेश के, साथ ही साथ परोसा गया कि डबल इंजन सरकारों का फायदा होने का मतलब क्या है, क्योंकि वो दो चेहरे जब चुनावों में उतरे जिसमें प्राइम मिनिस्टर है और जिसमें चीफ मिनिस्टर है दोनों, तो साथ ही साथ बिलासपुर एम्स का मुद्दा भी एक तरह से जनता के सामने परोसा गया कि डबल इंजन सरकारों का यह लाभ है प्रदेश के लिए। पीजीआई सैटेलाइट सेंटर ऊना की बात है, वो परोसा गया। मेडिकल जो वल्क ड्रग पार्क है उसकी बात हुई, मेडिकल डिवाइस पार्क का मुद्दा यहां गूंजा। फोर लेन के मसले यहां गूंजे। सिरमौर के गिरिपार के एरिया को जिस तरह से हाटी एरिया को जनजातीय को जो दर्जा मिला है, एसटी का दर्जा दिया गया है, वो मुद्दा यहां गूंजा। प्रदेश भर में नगर निगम, 3 नगर निगम वर्तमान सरकार ने बनाए, वो मुद्दे यहां उछले। मेडिकल कॉलेजेस के मुद्दे यहां आए। अटल यूनिवर्सिटी की बात हुई, साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की 2-2 विश्वविद्यालय, छोटे से प्रदेश में 6-6 जिलों के लिए 1-1 विश्वविद्यालय यहां हुआ। तो ये तमाम तरह के मुद्दे हैं, चेहरे बदलने के साथ मुद्दे बदले। जैसे ही दो चेहरे बड़े एक साथ हुए अग्निहोत्री जी, दोनों ही जिस तरह के, चाहे केंद्र की बात हो प्रदेश की बात हो, दोनों ही मुद्दों की गूंज और धमक इन चुनावों में रही।